वे प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट है और अगर आप जिम जाते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है क्योंकि ये काम न तो फैट कर सकता है और ना ही कार्बोहाइड्रेट। आमतौर पर जिम जा रहे हर शख्स को बॉडी वेट के 1 किलो पर कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ चुके लोग इसे 2.5 ग्राम तक ले जाते हैं। आज हम वे प्रोटीन के बारे में जानेंगे। क्या है वे प्रोटीन? वे प्रोटीन 3 तरह के होते हैं, कंसंट्रेट, आइसोलेट और ब्लेंड। कंसंट्रेट में तकरीबन 80% प्रोटीन होता है, आइसोलेट में तकरीबन 90% प्रोटीन होता है, इसमें फैट न के बराबर होता है। ब्लेंड दोनों के मुकाबले सस्ता पड़ता है मगर इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। बॉडी बनाने के लिए यह भी अपनी जगह सही है, इसमें 100 ग्राम में 80% से कुछ ऊपर प्रोटीन होता है। इसके एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA और 4 ग्राम ग्लूटामाइन और ग्लूटामेट एसिड होता है। इसमें 1 ग्राम फैट, 130 mg सोडियम और 30 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। हम जिस सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं वह डबल रिच चॉकलेट है। कई बार फ्लेवर बदलने पर न्यूट्रिशन वैल्यू भी थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है। कैसे यूज करना चाहिए वे प्रोटीन? एक, इसे आप पानी, दूध, शेक या अपनी किसी भी पसंदीदा पेय में डालकर यूज कर सकते हैं। दो, अगर आपको गाढ़ापन पसंद है तो आप 120 ml से 200 ml तक पानी या दूध या जो भी आप यूज करते हैं उसमें एक स्कूप डालें और करीब 30 सेकंड तक शेक करें। तीन, अगर आपको पतलापन पसंद है तो 250 से 300 ml पानी या दूध या जो भी आप यूज करते हैं उसमें एक स्कूप डालें और करीब 30 सेकंड तक शेक करें। चार, इस वे प्रोटीन का यूज बस इतना ही नहीं है, इसे आप ओटमील या योगहर्ट में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा चाहे बेक करके बनाई जाने वाली चीजों में इसे यूज कर सकते हैं, जैसे मफिन्स, ब्राउनीज, कुकीज वगैरह। पाँच, इसमें आप क्रिएटिन, ग्लूटामिन और BCAA अलग से भी मिला सकते हैं, मगर तभी मिलाएं जब आपकी बॉडी को वाकई इसकी जरूरत हो। बनाएं बेहतरीन शेक। इसका बेहतरीन शेक बनाने के लिए आप ताजे या फ्रीज किए हुए फल, पीनट बटर, अलसी या तीसी या उसका तेल, नारियल का बुरादा, दूध वगैरह मिलाकर उसमें इसे मिलाएं और मशीन में ब्लेंड कर लें। इससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी। गर्मियों का मौसम हो तो शेक बनने के बाद इसमें 1-2 आइस क्यूब्स भी डाल लें। इसकी मदद से आप पहलवानों वाला शेक भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वे प्रोटीन खरीदना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं।